रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथी सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के बीच में अनबन के खबर अब लगातार आ रहा है, मीडिया के सुर्खी बन रहा है और एक साथ साथ राजनीति में खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में भीतर खाना में ये बात जबरदस्त ढंग से चर्चा में बात कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में कुछ खटास आ गई हुआ। लगातार नीतीश कुमार और सुशील मोदी ये दोनों अलग अलग बयान देते रहन और एक दूसरे के बयान के जो पहले समर्थन करते रहा वो बयान पर अब कटाक्ष करने लगे या फिर वो बयान के पलट दिया था। ऐसने एगो बयान और ऐसने एगो फैसला का नीतीश कुमार जी के सरकार के मुख्य सचिव बाहर निकल करके बोल रहे कि भवन निर्माण विभाग के तहत जॉन तेजस्वी यादव के बंगला पर कैल गए खर्च वो अवैध नहीं थे और वो नियमानुकूल बा, ऐसे तेजस्वी यादव के क्लीन चिट दिया जाता। पर उकरा जैसे ही बाहर आई बात वो पर तुरंत एक्शन में आ गए सुशील मोदी और कहले कि तेजस्वी यादव के क्लीन चिट ना बोल रहा था। स्वागत करने वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव। अब स्थिति ये हो गई बा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी आमने सामने वाले रुआ उठा के देख रही हैं कि चमकी बुखार के मामले में जहां एक तरफ नीतीश कुमार गिरा रहे हैं वो या सुशील कुमार मोदी कोई भी बयान देने से अपना के अलग रख ले हैं। लगातार पिछला 20 दिन से ऐसा देखल जा रहा बा कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक मंच पर आके भी एक साथ नहीं खेलो नजर आवत, चाहे वो सरकार के बात हो गए या और भी बात हो गए। बीच में बहुत तरह के बात कहा जाता है, कहल तो यो जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी पर अंकुश लगा भाई। यह बात कहने के लगातार उठा रहा बनी भीतर खाना से खबर आ रहा है। अब स्थिति ही बात कि जौन बात वैसे कहनी है तेजस्वी यादव के मामला में मुख्य सचिव दीपक कुमार यह मामला के लेकर के अले और मीडिया के सामने ये बात कहले कि वो 5 इंजीनियर जिनका पर आरोप लगा रहे हैं उस सब लोग आरोप मुक्त होता लोग वो लोग के उन्हें कोनो दोष नहीं है और बंगला पर कई कई खर्च पूरी तरह से जायज बा। दीपक कुमार के ये बात के पब्लिक डोमेन में आइला के बाद सुशील मोदी तड़ातड़ी में एक्शन में आगे बढ़े और एक बयान जारी किए बढ़े। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कहना बा कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला के साज सज्जा पर अपना पद के दुरुपयोग कर करोड़ों खर्च करे वाला तेजस्वी यादव के सरकार कोनो क्लीन चिट नहीं के देले। आखिर कौना नियम के तहत तेजस्वी यादव भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त पुल निर्माण विभाग से 59 लाख के कीमती फर्नीचर खरीदारी करी है। मोदी के कहना बा कि आखिर तेजस्वी यादव के कौना प्रावधान के तहत खाली अपना कमरा में और शौचालय में 44 एसी लगौल है, 35 महंगा लेदर के सोफा लगौल है, एकरा साथ साथ विदेश से मंगा करके ग्रेनाइट और मार्बल लगौल है, इतने ना फर्श पर और दीवार में वुडन फ्लोरिंग मॉड्यूलर किचन के साथ साथ 464 फैंसी एलईडी लाइट और 108 पंखा लगौल है, बड़े लाखों के बिलियर टेबल के व्यवस्था के लिए बढ़ाए। ये सब आखिर फिजूल खर्ची ना तो का हो, ये अनाप शनाप खर्च के कैसे हूँ जायज ना ठहरा हो जा सकेला। तेजस्वी यादव के अपव्ययिता फिजूल खर्ची व बंगला के 7 स्टार वाली साज सज्जा के मामला में भवन निर्माण विभाग के अगर गाइडलाइन जारी करे के पड़ा तो ओकरा पीछे तेजस्वी यादव के फिजूल खर्ची ही अतने निखन कहल। एकरा बाद वो इहो कहते रहे कि तेजस्वी यादव अपना पद के दुरुपयोग कर फिजूल खर्ची कर बंगला पर कब्जा कैले रहन, यह कारण बा कि न्यायालय के उनका के जबरिया वहाँ से निकाले के पड़ और 50,000 के उनका पर जुर्माना भी लगा। अब यह बात के लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के फैसला, नीतीश कुमार जी के सरकार के फैसला और विभागीय फैसला पर सुशील मोदी
नाराजगी जाहिर करता है या फिर कहल जा तो ओकरा के निरस्त करता है। देखे वाला बात हुई कि सुशील मोदी के एह बयान के बाद नीतीश कुमार जी के तरफ से या फिर जदयू के तरफ से का बयान होता है या सरकार के जो मुख्य सचिव दीपक कुमार वाले वो एकरा पर का कहते हैं या फिर चुप्पी साध लेता है। लेकिन भीतर खाना में जो खबर बा वो बात एक बात के तस्दीक करता कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी में अब संबंध पहले वाला नहीं रह गई। चाहे कारण जौन होके सुशील मोदी के हो सकेला कि भीतर खाना में जो चर्चा चल रहा बा कि सुशील मोदी भी ओह रास्ता में आगे बढ़न जौन रास्ता के से नीतीश कुमार अगला 2024 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज भइल चाहता। मुख्यमंत्री के जौन पैनल बढ़ुए भारतीय जनता पार्टी के जौन 2024 में आगे सामने ले आवल जा सकेला ओकरा में सुशील मोदी के नाम भी शामिल करे के बाद अब चर्चा में आ गई बा। दू गो दोस्त के ई कहानी किसका ई अंत होके जा रहा बा। जुड़ा इस समय न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। रातों रात के सबसे जौन गंभीर खबर रहे कि इतना लंबा पुरान दोस्ती चाहे सत्ता में रहले या सत्ता में ना रहले नीतीश कुमार और सुशील मोदी कहल तो यहाँ तक ले जात रहे कि सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए हैं लेकिन नीतीश कुमार के ना छोड़िए। लेकिन दोनों में जौन अलग अलग तरह के बयान अलग अलग तरह के राह अपना हो जाता एक परिणाम कहीं ना कहीं बिहार में देखे के मिली एक अलग तरह के राजनीतिक दृश्य परिदृश्य और जुगाड़ में। खबर का सिलसिला यहाँ से जारी होगी बा। जुड़ रही सुबह बोल रहा था। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।